विद्यार्थियों, स्पाइस के इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का, मैं राम जैन स्पाइस फैकल्टी कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के रूप में आप सभी का स्वागत करता हूं इस क्लास में। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने आपकी जानकारी के लिए बता दें एमएस ऑफिस पैकेज प्रारंभ किया था। तब जब हमने एमएस ऑफिस पैकेज प्रारंभ किया तो अब उस पैकेज के अंदर जान रहे प्रिय विद्यार्थियों, हमने दो बातें की। एक तो बात की हमने एमएस वर्ड के बारे में और एक हमने एमएस एक्सेल के बारे में। एमएस वर्ड को तो प्रिय विद्यार्थियों हमने कंप्लीट कर लिया, एमएस एक्सेल को हमने प्रारंभ किया था। आगे की चर्चा अब विधिवत आपके बोर्ड स्क्रीन पर मैं प्रारंभ कर रहा हूं। बने रहिए 22 के इस प्लेटफॉर्म के साथ, आप निरंतर हमसे जुड़े रहिए। ऑनलाइन क्लासेस में आपको वह सारा मटेरियल प्रोवाइडेड कराया जाएगा जो आपको ऑफलाइन में भी प्रोवाइडेड करवाया जाता था। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट को समझना बहुत आसान रहता है। एक प्रकार से अगर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट की बात करें तो ऑनलाइन आपके लिए वरदान है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली और ज्यादा बेहतर हम बता पाएंगे। ऑफलाइन में भी 22 में बाकायदा प्रोजेक्टर स्क्रीन पर हम आपको पढ़ाते थे, हो सकता था कुछ वहां थोड़ा बहुत धुंधला भी दिखा दिया, कई बार आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं है। बने रहिए हमारी इस क्लास में 22 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर कंप्यूटर क्लास में। चलिए विद्यार्थी, हम बात कर रहे थे एमएस एक्सेल की। जब हमने प्रिय विद्यार्थियों एमएस एक्सेल प्रारंभ किया तब मैंने कहा था कि आपको 2007 और 2010 के बारे में कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी। हमने टैब के बारे में बात की, हमने कहा कि टैब 7 होती है और यहाँ पर हमने कहा टैब 8 होती है। इसका कारण है कि यहाँ पर ऑफिस बटन रहता था और यहाँ पर ध्यान रखें फाइल टैब आ गई, और ये फाइल टैब सबसे पहले आएगी क्योंकि ऑफिस बटन पहले होता था, इसलिए पहली टैब कौन सी हो जाएगी, फाइल, और उसके बाद टैब क्रमशः थी एक्सेल की। तो ये एक्सेल की टैब कौन कौन सी थी उन्हें आप समझने का एक बार प्रयास करें, और उसके बाद मैं प्रैक्टिकल पोर्शन की ओर आपको लिए चलता हूँ, क्योंकि ट्रिक्स का खेल था, लास्ट क्लास में समझाया था, पर वापस ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से और ज़्यादा समझ में आ सके और आपको याद हो सके। चलिए प्रारंभ करते हैं हम अपने ट्रिक्स और फंडों के साथ। पहली टैब आप होम को ही माने फिलहाल, तो फाइल को एडजस्ट कर देना। पहली टैब आपकी प्रिय विद्यार्थियों हो जाएगी होम। आप भी कमेंट करते रहिए निरंतर, आपके कमेंट्स के भी हम जवाब देंगे। दूसरी टैब हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों इंसर्ट टैब। इसके पश्चात जब प्रिय विद्यार्थियों मैं तीसरी टैब के बारे में बात करूंगा, तीसरी टैब आपकी हो जाएगी पेज लेआउट टैब। ये तीन टैब हो गई, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। और हमने कहा था तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, अर्थात तीन के बाद स्थितियां बदल जाएगी। जहां एमएस वर्ड की हम बात करते थे तो वहां प्रिय विद्यार्थियों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं रेफरेंसेस टैब आती थी, और अगली टैब आती थी मेलिंग टैब। एमएस एक्सेल के अंदर इन दो टैब का परिवर्तन हो जाएगा। अब परिवर्तन कैसे होता है उसको भी मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। आप एमएस एक्सेल पढ़ रहे हो, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि एमएस एक्सेल वह प्रोग्राम है जो गणितीय एवं वैज्ञानिक संक्रियाओं के लिए काम में लिया जाता है। जब गणितीय और वैज्ञानिक संक्रियाएं की जाती हैं तो आप भली बात ही जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उसके अंदर फॉर्मूलाज यूज होंगे, उसके अंदर डाटा यूज होगा। जैसे एक मैं सामान्य फॉर्मूले की बात कर देता हूं, एल इंटू बी इंटू एच, यह एक फॉर्मूला है, माना गया लिख दिया 5 × 4 × 6, आंसर आ गया आपका 120। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने फॉर्मूला लिया और ये उस फॉर्मूला का डाटा लिया, पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर डाटा लिखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों तीन के बाद यही करेंगे, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, ये हमने लिखा फॉर्मूला, और फॉर्मूला के बाद प्रिय विद्यार्थियों हम जिसका प्रयोग करेंगे वह प्रयोग करेंगे हम डाटा का। तो ये फॉर्मूला हो गया और फॉर्मूला के बाद डाटा हो गया। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों 5 टैब तो हो गई, अब 2 टैब बाकी रही। तो आप भली बात ही जानते हैं कि आपने एमएस वर्ड के अंदर रिव्यू टैब का प्रयोग किया था और उसके बाद व्यू टैब का प्रयोग किया था, पहले ज्यादा वाले अक्षर फिर कम वाले अक्षर। तो ये 2 टैब उसी रूप में एक्सेल में भी प्रिय विद्यार्थियों शामिल रहेगी। तो एक्सेल के अंदर जो 2 टैब हो जाएगी वह एक टैब तो आपकी प्रिय विद्यार्थी हो जाएगी रिव्यू टैब, और एक टैब जो आपकी हो जाएगी वह टैब हो जाएगी व्यू टैब। तो ये कुल मिला के हमारी
सात टैब रहेगी जिनकी हम अभी चर्चा करें हमने चर्चा की है, माफ कीजिए। तो यह तो हो गई सात टैब 2007 में पूछे तो यही का यही। अगर आपको 2010 में पूछते ज्यादा परिवर्तन नहीं करना पड़ता, आपको केवल एक ही परिवर्तन करना पड़ेगा। यहां पर आपको एक एडिशनल टैब ऐड करनी पड़ेगी और उस टैब को हम कहेंगे फाइल टैब। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों हमने इन टैब के बारे में चर्चा की थी। उसके पश्चात जब हम प्रिय विद्यार्थियों आगे बढ़े थे तो आगे हमने क्या चर्चा की, हमने बात की मेन्यू के बारे में। 2003 जब था हमने 2007 की बात की, हमने 2010 की बात की, अब हम एक बार 2003 की भी बात करते हैं। जब हम 2003 या उसके प्रीवियस वर्जन की बात करते हैं तब ध्यान दें आप लोग सभी स्टूडेंट्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को अगर पसंद आता है आपको तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप स्वतंत्र हैं डिसलाइक के लिए भी, लेकिन डिसलाइक करने के साथ साथ आप अपना कमेंट जरूर करना कि आपको कौन सा सवाल समझ में नहीं आया, ताकि कम से कम भले ही आप डिसलाइक करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके सवाल का समाधान हो। हमारा उद्देश्य आपको विधिवत शिक्षा देना है। आप लाइक करते हैं डिसलाइक करते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि आप कमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, और कमेंट सवाल को लेकर आप जरूर कीजिए। अपने गुरुजनों पर विश्वास रखिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। ऐसी संपूर्ण 22 टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अब हम जब बात कर रहे हैं मेन्यू के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने जब मेन्यू के बारे में बात की थी पिछली कक्षा में तो मैंने आपको बताया था प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद हो तो, कि मेन्यू 9 होते हैं। कई विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं कि सर आप हमारा नाम भी लिया करें, हम तो चाहते हैं आपका नाम लें, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप एक बार सेलेक्ट हुए। बाकायदा आपको हम कई सेलेक्टेड कैंडिडेट को बाकायदा 22 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, चर्चा कराएंगे, आपकी सफलता की कहानी को भी हम बताएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उसके लिए आप एक अपना क्राइटेरिया तय करें कि आपको कुछ बनना है। चलिए हम बात कर रहे हैं मेन्यू के बारे में। अब मैं एक समय के लिए मान लेता हूं और भविष्य में दुनिया मानेगी कि आप किसी राजकीय सेवा में चयनित हो गए, तो प्रिय विद्यार्थियों चयनित होने के बाद सबसे पहले आप क्या तैयार करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट। उन डॉक्यूमेंट को जब आप तैयार करते हैं तो उसकी क्या बनाते हैं, डेफिनेटली फाइल बनाएंगे। बस यही हमारा मेन्यू है। तो पहला मेन्यू हमारा कौन सा हो गया, फाइल मेन्यू। चलिए अब आपने फाइल बनाई, अब पहली बार सिलेक्शन हुआ है, फाइल बना रहे हो, जरूरी नहीं कि आपको पूरा नॉलेज हो। अब आप क्या करेंगे, किसी व्यक्ति को बताएंगे, वो व्यक्ति बताएगा कि हाँ भाई इसमें तो अभी कुछ एक डॉक्यूमेंट कम है। अब जब डॉक्यूमेंट कम है तो आप कुछ ऐड करोगे, इसका मतलब आप अपने पूर्व फाइल के अंदर क्या कर रहे हो, डेफिनेटली एडिट कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, तो वहां से एक शब्द आ जाएगा एडिट। तो हमारी जो दूसरी हो जाएगी मेन्यू का दूसरा पार्ट हो जाएगा एडिट। चलिए आपने फाइल बनाई, फाइल के अंदर एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए घर जाओगे, डॉक्यूमेंट को क्या करोगे, देखना पड़ेगा, पता होता तो पहले लगा देते, देखने को क्या कहते हैं, व्यू करना, डेफिनेटली। तो अगला हमारा शब्द इससे क्या आ गया, एडिट करना है तो आपको उस डॉक्यूमेंट को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और देखने को क्या कहते हैं, व्यू। अब आपने क्या किया, देख के वहीं रख दिया, तो क्या डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर गया, देखने से डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर नहीं जाएगा। मेरा इस वीडियो को देखने से आपके दिमाग में चीजें नहीं आएगी, देखने के साथ साथ आपको उसकी समझ विकसित भी करनी पड़ेगी, और उसी को मैट्रिक के माध्यम से प्रयास कर रहा हूं। अब आप क्या करोगे, आपने फाइल ली, डॉक्यूमेंट एडिट किए, डॉक्यूमेंट को देखा अर्थात आपने व्यू किया, अब देखने से काम नहीं चलेगा, उन डॉक्यूमेंट को आपको फाइल के अंदर लगाना पड़ेगा, मतलब इंसर्ट करना। तो अगला आपका आ गया मेन्यू इंसर्ट करना। चलिए उम्मीद कर रहा हूं ये चार चीजें समझ में आई होगी, फाइल, एडिट, व्यू और इंसर्ट। अब सुनिए, यहां पर मैंने जब भी लिखा ये कलर का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि ये भी मेरी ट्रिक में शामिल है। अब आप डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर रहे हो, फाइल लेके जानी है, इतने सालों की मेहनत आपके सफलता रंग लाई है, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ उसको अच्छा फॉर्मेट दोगे, अच्छी डिजाइनिंग दोगे। तो अगला शब्द क्या आ गया, इंसर्ट किया, किस प्रकार से, एक अच्छी सी फॉर्मेटिंग करके, क्योंकि आप 22 के विद्यार्थी हो तो डेफिनेटली बेस्ट करोगे, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिए अब आपने फॉर्मेटिंग की,
अब आपको कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके उपकरण तो चाहिएंगे आपको, बिना उपकरणों के फॉर्मेटिंग कैसे करोगे। चलो उपकरण को क्या कहते हैं, टूल्स। तो बस हो गया कि फॉर्मेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, टूल्स चाहिए। तो डेफिनेटली आप फॉर्मेट के लिए किसका काम करोगे, टूल्स का काम करोगे। हो गया, ये बहुत आसान है। फाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू हो गया, इंसर्ट हो गया, फॉर्मेट हो गया, टूल हो गया। एक दो तीन चार पाँच छः हो गए, अब केवल तीन रहे, टू थर्ड तो काम हो गया, वन थर्ड बाकी रहा है। और ये वन थर्ड बड़ा खतरनाक होता है, इस वन थर्ड से जरूर बचना। मैं नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहा हूँ, सवाल करना कॉन्फिडेंस के साथ करना। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका कंप्यूटर का पेपर राजस्थान के विद्यार्थियों में जो हमारे जो भी एग्जाम दे रहे हैं इन भर्ती में, चाहे वो कहीं के भी, उन सबसे आपका एग्जाम बेस्ट जाएगा। चलिए बने रहिए हमारे साथ 22 की इस ऑनलाइन क्लासेज में। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट और टूल्स, इस प्रकार ये छह मेन्यू हो गए। अब सुनिए, आपके पास टूल्स है, आपके टूल्स क्या है, आपने इतना सब कुछ पढ़ा, यही तो आपका टूल है अर्थात वो आपका डाटा। टूल्स क्या है, आपके डाटा, जो आपका डाटा है वो आपका क्या कहलाएगा, टूल कहलाएगा। चलिए ये हो गया आपका डाटा। चलिए इस प्रकार सात हो गए, दो बाकी रहे। अब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। हम जनरली इन दिनों किस ऑपरेटिंग सिस्टम को काम में लेने, सर्वाधिक प्रयोग में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो है विंडो। अब मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो गया, सपोज विंडो हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम यहां प्रयोग नहीं करेंगे सब, केवल ट्रिक के लिए। अब विंडो, और जब भी हमें हेल्प की जरूरत होगी तो विंडो हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये जो अंतिम हमारा आ जाएगा मेन्यू, वो आ जाएगा हेल्प मेन्यू। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद कर रहा हूं। सीक्वेंस पूछ लेते हैं विद्यार्थियों, तो याद करवाना इसको बहुत जरूरी था। जो निरंतर क्लासें चली हैं, आप सभी क्लासों को निरंतर देखें और उसको लिखने का भी प्रयास करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए। केवल पीडीएफ के भरोसे न रहें, वरना क्या होगा, किताबें पढ़िए, लाके घर पे रख दी, खोला नहीं, पढ़ा कुछ नहीं, दिमाग में कुछ आएगा नहीं। इसलिए आप उनको साथ साथ नोट भी कर लें, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो वो भी ले लें, लेकिन ज्यादा बेहतर यही रहेगा कि आप उसको हाथ से लिखें ताकि आपकी चीजें दिमाग में स्थायी हो सके। अब हम आगे के कंसेप्ट की बात करते हैं। ये तो हुआ थ्योरिकल कंसेप्ट जो मैंने समझा रखा था पहले। फिर हमने वर्कबुक के बारे में बात की, हमने वर्कशीट के बारे में बात की, हमने रॉ के बारे में बात की, हमने कॉलम के बारे में बात की, हमने सेल के बारे में बात की, हमने फॉर्मूलाज के बारे में बात की, हमने फंक्शन के बारे में बात की, फंक्शन विजार्ड के बारे में बात की, चार्ट विजार्ड के बारे में बात की, सारी चर्चाएं हुई। अब उन चर्चाओं को एक प्रैक्टिकल रूप देने का मैं प्रयास कर रहा हूं। बने रहिए हमारे साथ एक और नई स्क्रीन के साथ। और ये नई स्क्रीन, नई स्लाइड्स अब जो मैं बना रहा हूं वो बनाऊंगा मैं प्रैक्टिकल के रूप में। चलो करते हैं प्रारंभ क्लास को। चलिए ये हमने, सॉरी माफ कीजिए, एमएस एक्सेल ओपन करना था, हमने वर्ड ओपन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेल को ओपन कर लेते हैं विंडो आर और एक्सेल लिख के। ये आपका एमएस एक्सेल प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। अब इसको देखें, जो हमने बताया वही, ये देखिए फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, कोई फर्क नहीं, सारी की चीजें सेम टू सेम आ रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ध्यान देना विद्यार्थियों, ये जो हमारे सामने ओपन हुआ है, देखो ये बाय डिफॉल्ट मैंने क्या कहा था, नाम क्या आएगा, बुक वन। एमएस एक्सेल की फाइल का नाम क्या आता है, बुक वन। फिर हमने क्या कहा था कि इस फाइल को हम क्या कहते हैं, वर्कबुक। ये शब्द क्या हो गया यहाँ पे, वर्कबुक भी इसको कहेंगे। एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल होती है उस फाइल को हम क्या कहेंगे, वर्कबुक। चर्चा की थी हमने। चलिए अब ये जो वर्कबुक है इसके अंदर ये क्या पड़ी, वर्कशीट। ये बाय डिफॉल्ट कितनी ओपन हुई, तीन। इन सारी वर्कशीट से ही तो मिलकर क्या बनी, ये सारी वर्कशीट और इन वर्कशीट से मिलकर क्या बनी हमारी, वर्कबुक। ये चीज ध्यान रखना है, इन्हीं वर्कशीट से मिलकर क्या बनी है हमारी, वर्कशीट बनी। ठीक, वर्कशीटों से। अब देख लीजिए कि बाय डिफॉल्ट वर्कशीट कितनी ओपन हुई है, तीन वर्कशीट। बाय डिफॉल्ट वर्कशीट कितनी ओपन हुई है, तीन। ठीक, और इसको कब तक कितना कर सकते हैं, अनलिमिटेड। ठीक, यहां तक भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए वापस से एक चीज और नई बताते हैं आपको। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ए बी सी, ये अब ये तो है कॉलम,
और ये एक दो तीन चार यूं चल रहे हैं, ये आपके क्या कहलाएंगे? रो। एक तो आपका कॉलम होगा और दूसरा आपका रो होगा। ये कॉलम हो गया और ये आपका रो हो गया। जहां कॉलम और रो मिलते हैं वो क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। ये चीज ध्यान रखना, एक तो कॉलम हो जाएगा, एक आपका रो हो जाएगा। जहां कॉलम और रो मिलेंगे ये बॉक्स इंडिविजुअल आपका क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। अब बात की जाती है कि एक्सेल के अंदर अंतिम कॉलम, मैंने आपको कहा था, आपको याद हो तो एक्सएफडी, और कुल रॉ कहा था या अंतिम रॉ 10,48,576। लेकिन एक्सेल 2003 पूछ लिया जाए तो 256 कॉलम, 16,384 रॉ। लेकिन यहां पर क्या हो गया? 16,384 कॉलम जो अंतिम कॉलम है, और 10,48,576 आपके रॉ हो जाएगी। देखिए, एक तो 2003 आपका और एक उसके बाद का कोई भी वर्जन। वापस लिख बार, एक तो आपका 2003 और एक आपके 2007 या उसके बाद कोई भी। जब यहां बात करते हैं हम कॉलम की रो की, यहां जब हम बात करेंगे कॉलम की रो की, यहां कॉलम थे 256 और रो हो गई 16,384। यहां जो रो थे वो आप कॉलम में बदल गए, 16,384 कॉलम हो गए और रो हो गई आपकी 10,48,576। रो कॉलम में बदलने का मतलब रो कॉलम नहीं हुई, ये जो संख्या थी इसके बराबर होगी। मेरे कहने का आशय ये है ताकि वो याद रह जाए आपको, बराबर। ये तो कंसेप्ट हो गया रो और कॉलम, और जहां रो और कॉलम मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। चलो अब सेल का कंसेप्ट क्या है, एज्यूम समझिए कि आप कोई 5 सेल लेते हैं, एज्यूम समझिए कि आप कोई 5 सेल लेते हैं, सॉरी 5 सेल नहीं, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं, कि आप 5 कॉलम लेते हो और 7 रो लेते हो, तो कॉलम और रो का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? सेल बन जाएगा, मतलब 35 ऐसे बॉक्स बन जाएंगे, ठीक है। अब ये कैसे बनते हैं ये हमने पूर्व कक्षा में चर्चा की थी। चलिए अब हम प्रैक्टिकल पोर्शन की ओर बढ़ते हैं। मैं कुछ डाटा लिखता हूं और उस डाटा के आधार पर आपको आगे समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए जैसे मैंने सपोज यहां पर एक कोई मैं डाटा लिख लेता हूं, जैसे मैंने एक नाम लिख दिया चलो, ये हमने एक बोर्ड पर नाम लिख दिया शिवन्या। अब मैं अगली सेल में आया, जो सेल एक्टिव होगी वो किस स्थान पे दर्शाती है, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। इसे कहेंगे नेम बॉक्स, इसे क्या कहेंगे? नेम बॉक्स। और ये फुल एफएक्स लिखा हुआ, ये हमारा फॉर्मूला बार, या इक्विल के साथ एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला होगा इक्विल के साथ स्टार्ट होगा, उसके अलावा कोई भी चिन्ह दे रखा है सारे चिन्ह आप गलत माने, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, केवल और केवल एक ही चिन्ह होगा इक्विल। चलो अब जैसे मैंने ये नाम लिखा, मैं चाहता हूं कि ऐसा का ऐसा नाम इसमें आ जाए। मैंने लास्ट क्लास में बताया था इसकी शॉर्टकट की, और मैंने कहा था कि इसको याद करने का तरीका कि पहले ही शिवन्या वैसा का वैसा शिवन्या वापस चाहिए, मतलब डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का पहला शब्द क्या? डी, और शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? कंट्रोल प्लस डी। लेकिन ध्यान रखें एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस डी काम क्या आता है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। अगली क्लास में मैं इसका आपको आंसर भी बताऊंगा, और दोनों का कह देता हूं अलग है, एक नहीं है, अभी से आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। चलो अब जैसे मैं यहां कंट्रोल के साथ डी का प्रयोग करता हूं, जो नाम वहां लिखा हुआ था वो का वो नाम यहां क्या हो गया? कॉपी हो गया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। चलो अब हम बात करते हैं कि ये जो है ये हमारे कॉलम है, ये कॉलम है, और ये जो 1, 2, 3, 4 चल रहे हैं ये हमारे रो है। अब जो आपको दिखाई दे रही है ये रो है, अब जो आपको दिखाई दे रहा है ये कॉलम है, ये जो चीज दिखाई दे रही है सारे के सारे क्या है? कॉलम है। और ये जो चीज दिखाई दे रही है सारी के सारी क्या है? रो है। जहां रो और कॉलम मिल रहे हैं ये चीज क्या कहलाएगी? सेल कहलाएगी। अब देखो जब मैं अंतिम की बात करता हूं तो देखिए ये अंतिम कॉलम कौन सा आ गया? एक्सएफडी। अब बताइए कि मैंने किन कीज का प्रयोग किया, कि मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं ये सवाल एक बार और आपके लिए, कि हमने ऐसे कौन से
चीज का प्रयोग किया या किस एक की का प्रयोग किया या दो की का प्रयोग किया, अब वो आपको बताना आंसर, जिससे ये अंतिम हमारा आ गया एक्सेप्ट डी। लेकिन हम कैसे माने कि ये 16384 है, ठीक है, ये भी आप ही के लिए मैं एक सवाल छोड़ता हूं अगली क्लास के लिए, कि आपको ढूंढना है, ठीक है, ताकि पता चले कि आप वास्तव में कितना जानते हो, कितना पढ़ते हो, ठीक है, विधिवत बने रहिए। हमने एक रेगुलर नियमित प्रश्नोत्तरी भी प्रारंभ की है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जैसे जैसे यदि उसके अंदर व्यूज आते हैं, बेहतर काम होता है, आपको पसंद आता है, तो हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, और अदरवाइज हो सकता है कि हम उसे बंद भी करें। अब ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, मॉर्निंग में रहती है लगभग 7:30, कई बार समय आगे पीछे हो जाता है, कई टेक्निकल दिक्कत भी आती है, हर बार नहीं होगा लेकिन कभी कभी होना स्वाभाविक है, क्योंकि नेट और टेक्नोलॉजी का खेल है। तब आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जनरली ज़्यादा लेट हुआ तो हम उसके लिए भी आपको मैसेज दे देंगे, आपको अनावश्यक कॉल वगैरह करके परेशान नहीं होना है। चलिए, बने रहिए 22 की ऑनलाइन क्लासेज में। चलो आगे बढ़ते हैं, तो मैंने कहा कि ये अंतिम कॉलम एक्सेप्ट डी आ गया। चलो सर रॉ बताइए, रॉ भी बता देते हैं। ये देख लीजिए, ठीक है, अब ये रॉ भी आ गई, कितनी आई देख लीजिए, अंतिम रॉ क्या आपको दिखाई दे रहा है या नहीं देख रहा है तो मैं बोल देता हूं, और थोड़ा विश्वास कर लेना, 10,48,573। अब चूंकि मैं इसका आंसर बताऊंगा, इसका आंसर बताऊंगा, तो आप सिमिलरिटी में लगभग पता कर लोगे दोनों में फर्क है, इसलिए ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए ड्रॉप कर रहा हूं। अब आपको बताने इन क्वेश्चनों के आंसर कि मैंने एक्सेप्ट डी में कैसे लेके आया, ठीक, मैं 10,48,576 कैसे लेके आया, ये किस क्वेश्चन से जो आपके लिए वैकेंट रहेंगे, प्रयास कीजिए सफलता मिलेगी। चलिए, फिर हमने बात की थी एप्लीकेशन विंडो की और डॉक्यूमेंट विंडो की। ये जो वर्कबुक कार्य क्षेत्र है ये अलग होता है, मैं फाइल के अंदर जाता हूँ और हम क्लोज का प्रयोग करते हैं, और मैंने कह दिया डोंट सेव, प्रोग्राम बंद नहीं हुआ। आप देख लीजिए सारी टैब काम कर रही है, किसी भी ऊपर भी क्लिक करो देख लीजिए सारी टैब एक्टिव है, लेकिन ये एरिया एक्टिव नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा कार्य क्षेत्र है वर्किंग एरिया, ये बंद होगी विंडो, दो विंडो होती है, तो ये विंडो हमारी क्या हो गई, बंद हो गई। लेकिन एक बार पुनः इस विंडो को ओपन करके दूसरी चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं, वो क्या है उसको भी समझें। चलिए, अब मैं क्या करता हूं, यहां से इस प्रोग्राम को बंद करता हूं, दोनों बंद हुए ना, पर एप्लीकेशन विंडो भी बंद हो गई, डॉक्यूमेंट विंडो भी बंद हो गई, वर्कबुक भी हमारी बंद हो गई, ठीक है, बराबर हुआ ना, हमारा जो कार्यकारी भाग था वर्कबुक वो भी बंद हो गई और एप्लीकेशन भी बंद हुई। इसका मतलब अल्टर F4 जब हम प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों ही साइड बटन का नाम क्लोज है, और ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं कि दोनों साइड क्लोज है, लेकिन उस क्लोज और उस क्लोज में फर्क है। एक हम कहते हैं कि गेट को क्लोज कीजिए, मतलब बंद कर लो, वो मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, मतलब नजदीक है, तो फर्क और शब्दों का है, तो वो फर्क यहां पर भी है। देखिए कैसे, आपने फाइल के अंदर देखा होगा, मैं वापस बता देता हूं ये क्या शब्द है, क्लोज, और मैं यदि वहां पर कर्सर को लेके जाता हूं, अब भी देखिए शब्द क्या आया, क्लोज विंडो, पहले भी शब्द क्या आया, क्लोज, यहां अगर क्लिक करोगे तो विंडो क्लोज होगी, देखिए, और एक ये बटन है, यहां पर भी क्लोज का साइन आता है, ठीक, इस क्लोज और उस क्लोज में भी फर्क है, यहां क्लोज कर लोगे तो एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगी, और इसकी शॉर्टकट कीजिए अल्टर के साथ F4, तो ध्यान रखें क्लोज बटन या अल्टर F4 से एप्लीकेशन विंडो बंद होती है, लेकिन फाइल मेन्यू के अंदर जो क्लोज दिया हुआ है उसे डॉक्यूमेंट विंडो बंद होगी, लेकिन एप्लीकेशन विंडो खुली रहेगी। इस सारे कंसेप्ट को हमने थ्योरिकल के रूप में भी हमारी एक्सेल पार्ट फर्स्ट में समझा था, आज एक्सेल का पार्ट 2 चल रहा है, अभी एक्सेल के एक दो पार्ट और आएंगे जिसके अंदर हम फंक्शन को भी समझेंगे, विभिन्न 11 प्रकार के चार्ट्स को भी समझेंगे, XY चार्ट क्या होता है, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, एक और सवाल ढूंढिए इसको आप आराम से कि XY चार्ट क्या होता है, ठीक। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आगे की क्लास को और आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ चीजें और आपको समझाने का प्रयास करता हूं एक्सेल के अंदर ही। देखिए, अब हम बात करते हैं इंसर्ट के अंदर, अगर मैं एक बात करूं, सॉरी फॉर्मूला के अंदर, फॉर्मूला के अंदर क्या है,
इंसर्ट फंक्शन शॉर्टकट की पूछी जाती है, ये मैं आपको बता रहा हूं अभी। शिफ्ट के साथ F3, जैसे ही मैं शिफ्ट के साथ F3 का प्रयोग करूंगा आपके सामने इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा। ये एक्स्ट्रा जितने भी हम शॉर्टकट कीज यूज करते हैं उसे जो कुछ भी ओपन होता है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, डायलॉग्स बॉक्स कहलाते हैं। तो ये आपको शॉर्टकट कीज एक और हमने बता दी, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके अलावा मैंने एक शॉर्टकट कीज आपको बताई थी, कंट्रोल के साथ पेज डाउन और पेज अप, और एक शॉर्टकट की मैंने आपको और बताई थी कि ये जो शीट है इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, क्या बाय डिफॉल्ट शीट कितनी बताता है, तीन शीट आती है। बाय डिफॉल्ट शीट कितनी आती है देख लीजिए, तीन आ रही है। अगर आपको नई कोई शीट इंसर्ट करनी है तो उसकी शॉर्टकट की आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, कमेंट कीजिए आप लोग कि मैंने पिछले वीडियो में इसकी शॉर्टकट कीज क्या बताई थी। देखिए पहले तीन शीट थी, अब देख लीजिए आगे कौन सी शीट आ गई, चौथी शीट आ गई। तो शिफ्ट के साथ हमने किसका प्रयोग किया, F11 का। तो शिफ्ट F11 किसकी शॉर्टकट कीज है, अगर आप एक नई शीट इंसर्ट करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट कीज हो जाएगी। तो एक्सेल के अंदर अब रॉ और कॉलम का खेल क्या है, सेल रेंज क्या है कि जैसे माना कि मैंने यहां से लेके यहां तक के एरिया को सेलेक्ट किया, अब देखिए ये जो एरिया है ये सारा का सारा एरिया हमारा क्या कहलाएगा, ये हमने कहां से कहां तक सेलेक्ट किया उस एरिया को आप समझें। ये जितना भी हमने एरिया सेलेक्ट किया है ये हमारा कार्यकारी सेलेक्टेड भाग है, ठीक है। अब इस सेलेक्टेड भाग के अंदर ये जो सेल है ये एक्टिव सेल कहलाएगी, यहां पर हमारा पहले कर्सर है, देखिए ये एक्टिव सेल है इसलिए इसका एड्रेस आ गया A1। अब देखिए मैं कुछ डिजिट्स लिखता हूं और फिर आगे की चर्चा करता हूं। जैसे मैंने लिखा 1 और यहां लिखा मैंने जैसे 11, ठीक। अब यहां लिखा मैंने 2 और यहां लिखा मैंने 12। अब मैं क्या करता हूं, इनको सेलेक्ट करता हूं और ये जो क्रिया है माउस के द्वारा ये क्रिया कहलाती है ड्रैग एंड ड्रॉप। ये छोड़ दिया मैंने, यहां से वापस इसी चीज को लिया और यहां लाके मैंने इसको छोड़ दिया। ये एक टेबल कैलकुलेट ओके आ गई लॉजिकल बेस पे। ये आपको ज्यादा नहीं देखना है, बस इतना देखना है। इस प्रकार हम एक्सेल में कार्य कर सकते हैं, लॉजिकल बेस पे एक्सेल में कार्य होता है। चलिए ये सारी की सारी, अब जैसे मैं एक चीज और बता देता हूं, जैसे मैंने यहाँ एक सिंबल लिखता हूं, मैं पहले मैंने कहा था कि एक्सेल का कोई भी फंक्शन इक्वल से स्टार्ट होगा, मैंने लिखा इक्वल। इक्वल लिखने के बाद मैंने एक फॉर्मूला लगाया सम और ये ब्रैकेट बनाया। अब यदि मैं क्या करता हूं कि यहां से लेके यहां तक की चीजें हैं, अब देखो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने बात की थी कि दो कॉलन आएंगे, जब मैंने बात की थी कि ये दो कॉलन आएंगे इस प्रकार के, यहां बना देता हूं, ये क्या बताते हैं, ये रेंज बताते हैं, ठीक है। ये क्या बताएंगे, रेंज। अभी वापस क्लिक करेंगे बता देंगे। हमने लिखा इक्विल का, चलो हम इस बार एक और फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, चेंज करते हैं मैक्स फॉर्मूला। अब मैं किसी भी एरिया को सेलेक्ट कर लेता हूं, देखिए ये जो कॉलन का निशान आ रहा है ये बता रहा है कि G3 से लेके J7 तक के अंदर जो भी डाटा है उसमें से मैक्स मतलब जो मैक्सिमम है अक्सर वो आ जाए। ब्रैकेट बंद किया, एंटर लगाया तो इसने कहा कि 97 मैक्सिमम है, मिनिमम भी होगा, एवरेज भी होंगे, सम भी करेंगे हम लोग, ABS फंक्शन को भी हम लोग समझेंगे, PMT फंक्शन को भी हम लोग समझेंगे, सारी चीजें आएगी लेकिन एक समयबद्ध तरीके से। पहले इसके बेसिक्स चीजों को आप लोग दिमाग में सेट। अब अगर इस एरिया की बात करें अलाइनमेंट एरिया की, तो आपने वर्ड के अंदर चार अलाइनमेंट पढ़े होंगे, लेफ्ट राइट जस्टिफाई, चौथा बता रहा हूं, एक सेकंड के लिए वेट कीजिए, उसका कारण है ताकि मैं पहले शॉर्टकट कीज याद कर दूं। लेफ्ट राइट और जस्टिफाई ये तीन वो बटन है इसके अंदर क्या होता है, इनका जो पहला अक्षर उसको कंट्रोल के साथ लगा दो शॉर्टकट की तैयार। लेफ्ट कंट्रोल के साथ L, राइट कंट्रोल के साथ R, जस्टिफाई कंट्रोल के साथ G। लेकिन जब सेंटर आता है तो कंट्रोल के साथ C नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता कंट्रोल के साथ C, क्योंकि कॉपी के लिए रिजर्व है। अगला शब्द क्या हुआ E, कंट्रोल के साथ E सेंटर अलाइनमेंट की। लेकिन जब बात एक्सेल की जाती है तो एक्सेल के अंदर 6 अलाइनमेंट होते हैं, कौन सा अलाइनमेंट जो वर्ड का है और वो एक्सेल में नहीं होता, कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। जस्टिफाई अलाइनमेंट, ठीक है, ध्यान रखें जस्टिफाई अलाइनमेंट वर्ड में तो होता है लेकिन एक्सेल में नहीं होता। एकमात्र प्रोग्राम कौन सा है जिसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप रहता है, बाकी सब में पोर्ट्रेट, और वो है कौन सा, पावर
पॉइंट। चलिए अब प्रिय विद्यार्थियों आगे समझे, हमने कहा कि एक्सेल के अंदर 6 अलाइनमेंट होते हैं और वर्ड के जो अलाइनमेंट है उसमें से जस्टिफाई नहीं होता। तो आप जानते हैं कि आपके लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, इसके बाद आपका सेंटर अलाइनमेंट होता है और जस्टिफाई अलाइनमेंट भी आपके होता है। लेकिन ध्यान ये रहे कि ये जो जस्टिफाई अलाइनमेंट है ये एक्सेल में नहीं होता। तो तीन तो आगे पीछे तीन चाहिए, एक क्लास में तीन विद्यार्थी है। अब बताइए क्लास में टॉप कौन है, मिडिल कौन है और बॉटम कौन है? तीन है तो एक टॉप है दूसरा मिडिल है, जो बच्चा वो अपने आप क्या हो जाएगा, बॉटम। बस यही है हमारे तीन अलाइनमेंट, टॉप मिडिल और बॉटम, टॉप मिडिल और बॉटम, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। अगर आप इनकी सीक्वेंस पूछना चाहो तो एल सी आर जे, आल सी राम जैन, आल सी राम जैन, लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई, ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके हो गए अलाइनमेंट का कंसेप्ट। वर्ड के अंदर जहां चार होते हैं, एक्सेल के अंदर छह होते हैं। वर्ड में जस्टिफाई नाम का भी अलाइनमेंट है लेकिन एक्सेल में ऐसा कोई अलाइनमेंट नहीं है। वर्ड के अंदर टॉप मिडिल और बॉटम नाम के कोई अलाइनमेंट नहीं है लेकिन एक्सेल में वो अलाइनमेंट भी है। ये देख लीजिए, एक दो तीन चार पांच और छह, ये टॉप मिडिल और बॉटम के अलाइनमेंट। ये तो चर्चा हुई अलाइनमेंट के बारे में। जब बात शॉर्टकट किस तक पहुंच चुकी है, मैं ए से लेकर जेड तक सारी शॉर्टकट की ट्रिक से याद करूंगा, लेकिन फिलहाल एक शब्द के कारण आपको बताना आवश्यक समझता हूं। उस शब्द की क्या रामायण है समझें। चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जिसे जिंदगी में कहीं स्थान नहीं मिलता उसे दुनिया में सबसे बढ़िया स्थान मिलता है। अर्थात जो व्यक्ति किसी एग्जाम में सफल नहीं होता है और एक दिन ऐसा आता है कि वह अपने सभी जान पहचान वालों से भी बड़ी पोस्ट बड़ा सम्मान पा लेता है, तो वही चीज हाइपरलिंक के साथ है। कैसे समझिए, उसके लिए बने रहिए हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में, 22 के ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं रामजैन आपको ये चीज भी समझाने का प्रयास करता हूं। अब देखिए, मैंने एक शब्द लिखा हाइपरलिंक। अब देखो पहला शब्द क्या है, एच। जिस प्रकार कॉपी, मैंने शब्द क्या लिखा, कॉपी। मैंने कॉपी लिखा, कॉपी की शॉर्टकट की पहला अक्षर है कंट्रोल सी, ठीक। मैंने फाइंड लिखा, फाइंड की शॉर्टकट की पहला अक्षर कंट्रोल के साथ एफ। मैंने गो टू लिखा, शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ जी। कुछ भी याद नहीं करना, सारा ट्रिक से याद कराऊंगा बाद में, लेकिन पहला उद्देश्य क्या है। तो इनमें देखो आप, शब्द का पहला अक्षर आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि सभी में शब्द का पहला अक्षर आए। इनको मैं एक बार हटा देता हूं, चलिए गया। अब शब्द क्या हमारे पास, हाइपरलिंक। जब हाइपरलिंक से कहा कि भाई आपकी शॉर्टकट की कंट्रोल एच बना दें, ये तो हाँ दे देगा लेकिन पड़ोसी मना कर देगा। अब पड़ोसी क्या, ये हमारा घर बाड़मेर, हमारी जन्मभूमि भी हमारा घर होती है और हमारी कर्म भूमि भी हमारा घर होती है। जन्मभूमि बाड़मेर, आपका सिलेक्शन हुआ, RSIS पोस्ट में भी आ गए, आपको जयपुर दिया गया, आपको जयपुर दिया गया। कर्म भूमि क्या हो गई, जयपुर होगी। अर्थात घर बदल गया, आपने घर को क्या किया, रिप्लेस किया। अब इसीलिए रिप्लेस किसको किया, घर को। घर के आगे शब्द क्या है, एच, मतलब होम। होम को क्या किया, रिप्लेस। तो रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या थी, किसको रिप्लेस किया था, घर को। घर का पहला अक्षर क्या है, एच। तो रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या हो गई, एच हो गई, ठीक।
तो ये तो रिजर्व हो गई रिप्लेस के लिए, तो इसको छोड़ो। अब दो शॉर्टकट की एग्जामिनर भी बार बार पूछता है, क्योंकि एग्जाम प्रेशर के कारण विद्यार्थी इससे कंफ्यूज होते हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक भी कई बार, हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने इस कंफ्यूजन से बचने के लिए एक सिंपली सी ट्रिक्स बनाई है। ऐसा भी नहीं हो कि ट्रिक याद करने के लिए फिर ट्रिक याद करनी पड़े, बिल्कुल आसान ट्रिक है और आपको याद है। केवल और केवल आपको अचेतन मस्तिष्क से चेतन मस्तिष्क में लाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, अंग्रेजी में आप सब जानते हैं पहले आर आता है, फिर यू आता है, ये रिडू हो गया, और वो शब्द आपका अंडू हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये तो पता है सबको कि वाई और जेड होती है, लेकिन किसकी वाई किसकी जेड? जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक वाई जिसकी है उसकी रहती है, जेड है उसकी रहती है, लेकिन एग्जाम के समय वाई जेड में चला जाता है, जेड वाई में चला जाता है। वो नहीं जाए उसके लिए क्या करें? देखो, पहले क्या शब्द आता है? वाई। फिर क्या शब्द आता है? जेड। बस हो गया कंट्रोल प्लस वाई। जो पहले आता था उसको पहले के साथ लिखो, जो बाद में आता था उसको बाद के साथ लिखे। ठीक, रिडू में आर पहले आता था और यू बाद आता है, अंडू वाला अंग्रेजी के अल्फाबेट क्रम में देखें। इसी प्रकार अल्फाबेट में वाई पहले आता है, जेड बाद में आता है, जो पहले आता है वो पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ। रिडू के लिए हो गया कंट्रोल प्लस वाई, अंडू के लिए हुआ कंट्रोल प्लस जेड। तो हाइपरलिंक में इसमें से कौन सा शब्द है? वाई। तो ये भी रिजर्व हो गया, चलो इसने भी मना कर दिया। अब प्रिंट के लिए कौन सा है? पी। ये भी नहीं रख सकते, ये भी रिजर्व है। मैंने बताया था अभी भी सेंटर अलाइनमेंट के लिए, राइट अलाइनमेंट के लिए, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए ई आर एल तीनों ये चले गए। ठीक, अब ये जब आई के ऊपर आता है तो इटैलिक के लिए रिजर्व है, ये भी चला गया। एन आना कोशिश करे तो न्यू फाइल के लिए। अब बेचारा हाइपरलिंक कह रहा कुछ तो मेरे लिए छोड़ो, कुछ छोड़ दिया। अंतिम अक्षर हाइपरलिंक के लिए क्या बचा? के। विद्यार्थियों, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या हो गई? कंट्रोल के साथ की। इस प्रकार आपने देखा कि हमने इस एक शब्द से नौ तो डायरेक्ट शॉर्टकट की, फिर कुछ रिडू वगैरह फाइंड वगैरह यूं करके 12-15 शॉर्टकट की तो याद कर ली। सारी याद कराऊंगा, सिस्टमेटिक याद कराऊंगा ऐसे जेड तक, लेकिन यहां ये सिस्टम काम में लेना पड़ेगा ताकि चीजें आसान हो, ऐसा लगे कि हाँ ऐसा कभी किसी क्लास में पहले हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं 5-7 मिनट, ज्यादा लंबी क्लास भी टेक्निकल सब्जेक्ट की घातक होती है। चलो बनते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, फिर लाते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन। आगे आपकी स्क्रीन वही विंडो के साथ आर प्रयोग करें। ठीक है, तो यहां तक हमने बात कर ली। अब हम जब बात करेंगे इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और मैं इन चार्ट के बारे में बात करूंगा। ये 11 प्रकार के जो हमारे चार्ट चलते हैं, ठीक है, तो इन चार्ट के अंदर ऑल चार्ट टाइप, देखिए बाय डिफॉल्ट कौन सा चार्ट है? कॉलम। देखिए एक चार्ट का उत्तर आ गया स्केटर एक्स वाई को, एक्स वाई चार्ट मैंने कहा था क्या है? स्केटर। चलिए कॉलम लाइन पाई बार एरिया, एक्स वाई को स्केटर कहते हैं, स्टॉप सरफेस डोनट बबल और रडार, ये सारे चार्ट फंक्शन भी हम आपको सिखाएंगे, फॉर्मूलाज भी आपको सिखाएंगे, सारी चीजें आपके आ जाएंगी। अभी फिलहाल इतना याद करो 11 चार्ट है। बाय डिफॉल्ट चार्ट कौन सा? कॉलम चार्ट। एक्स वाई चार्ट को क्या कहते हैं? स्केटर चार्ट। कुल चार्ट कितने? 11। वर्ड में भी कितने? 11। एक्सेल में भी कितने? 11। वर्ड और एक्सेल में दोनों में कितने हैं? 11। एक प्रोग्राम कौन सा? वर्ड। दूसरा प्रोग्राम कौन सा? एक्सेल। और हम बचपन में भी कहते हैं 1 और 1 11, तो यहाँ हो गया हमारा 1 और 1 11। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, हमने यह एक्सेल की एक और क्लास आज की मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आगे की क्लास में आप हमारे साथ बने रहिए। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। प्रातःकालीन लाइव क्लासेस शीघ्र प्रारंभ हो जाएगी, कभी टेक्निकल दिक्कत आएगी तो उसको हम प्रीमियर कर देंगे, लेकिन आपके साथ विधिवत उस प्रश्नोत्तरी में भी आप जुड़े रहिए। और तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। वंदे मातरम, जय भारत।